आदमी अपने आप से भाग सकता है, अपनी किस्मत से। दुनिया का सबसे बड़ा नशा रिस्क। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि अक्षय कुमार ने अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म यानी कि राम सेतु का ड्यू शेड्यूल पूरा कर लिया है और वह मुंबई वापस भी लौट आए हैं। तो आपको बता दें कि आप जब भी किसी जगह जाते होंगे तो जरूर ही उस जगह से कुछ ना कुछ यादें तो जुड़ ही जाती होगी। बिल्कुल यही हुआ है अक्षय कुमार के साथ भी। अक्षय ने अपने दीव के अमेजिंग एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए कहा है कि उन्हें वहां की नेचुरल ब्यूटी, लोग और पानी कोठी बहुत ही ज्यादा पसंद आई। उन्होंने यह भी कहा कि मुंबई में सपने जरूर पूरे होते हैं लेकिन वहां नेचुरल ब्यूटी और शांति की कमी कहीं ना कहीं तो जरूर महसूस होती है। इतना ही नहीं, अक्षय दीव से कैमरा में कैप्चर की गई अमेजिंग यादों को भी लेकर जा रहे हैं और वह यहाँ फिर से आने की भी उम्मीद जरूर करते हैं। तो दोस्तों, इन सब के अलावा अक्षय को अपनी को-स्टार यानी कि जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा के साथ काम करने में भी बहुत मजा आया। हालांकि जैकी के साथ तो वो इससे पहले भी हाउसफुल 4 में काम कर ही चुके हैं और उनके साथ दोबारा काम करना अक्षय के लिए घर वापसी था। और इतना ही नहीं, दूसरी ओर नुसरत भरूचा को वो एक ह्यूमन लाफिंग बॉम्ब कहते हैं, जिसका कारण उन्होंने यह बताया कि सेट्स पर कुछ भी हो वो हमेशा ही हंसती रहती थी। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि उनको हंसाने के लिए किसी फनी जोक की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल का है। साथ ही साथ उन्होंने यह कहा कि सेट्स पर सारे क्रू मेंबर्स भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे और इसीलिए ही तो कोविड जैसी हालत में भी हम शूट कर पाए। हालांकि एक गलती की वजह से हमें वायरस ने पकड़ लिया और इसीलिए ही शूटिंग समय से पूरा नहीं हो पाया। खैर दोस्तों, अब तो इस फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है और इसके मेन पार्ट्स और क्लाइमैक्स भी शूट किए जा चुके हैं और बाकी की शूटिंग मुंबई में पूरी की जाएगी। लेकिन आप इसकी शूटिंग और फिल्म से जुड़ी कई बातें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज के साथ और देखते रहिए आने वाली सारी वीडियोस। और जल्दी से जाइए और हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और हाँ, जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज को सब्सक्राइब करें।